तो पता नहीं कैमरे की लाइट क्या जा रही है, धूप बहुत ज्यादा तेज हो रही है। बोलो तो मेरे वेइंग मशीन मत तोड़ देना, पता है मुझे 15 किलो के हो तुम। नापना है क्या? ये देखिए एकदम कैंडिड। मेरे को मशीन से नापना है कि मैं कितने किलो का हूँ। अब कोई मुझे तलहा दे वरना टूट गई तो फिर मुझसे मत कहना कि टूट गई। अगर टूटी तो मेरी गलती है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं डाइटिंग कर रहा हूँ तो मैं बस टेस्ट कराना चाहता हूँ। मैं बस डाइटिंग कर रहा हूँ तो मेरा टेस्ट करना है। मेरा वेट कर दो ना, मैं तल जाऊंगा वरना तल जाऊंगा मैं। ये वेट की मशीन बड़ी अच्छी लगती है मुझको, पर मुझे डर लगता है कि कहीं ये टूट ना जाए मेरे तलने से। डाइटिंग तो कर ली है मैंने। गुड मॉर्निंग कैसी आ रही है। आई थी मैं यही बोल रही थी क्योंकि बहुत तेज धूप हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पता है आपको बहुत हद गर्मी हो रही है। सो जो ब्लॉग था मैंने रात में एडिट कर लिया था, एक पार्ट बचा था एक्सरसाइज का, वो मुझे एडिट करके ऐड करना है ब्लॉग में, तो ब्लॉग का काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को डायरेक्टली अभी लंच बनाना है, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया था। मैं क्या करती ब्रेकफास्ट मैक्सिमम शूट नहीं करती क्योंकि इतनी हड़बड़ी में रहते हैं ना। उसके बाद मैंने चाय पी है और योगा किया है और शाम को मैं एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि शाम ही का टाइम है। मैं योगा भी करती हूँ गाइस, तो एक चीज़ और इंक्लूडेड है, योगा की वीडियो मैं बनाऊँगी एक दिन फुर्सत से बैठ के। सो मैंने दो वीडियो शुरू करी थी, मैंने दो वीडियो डाली थी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप देखते हैं जैसे मैं ब्यूटी की वीडियो भी ब्लॉग भी एक ही चैनल पर डाल रही हूँ, वो इतना भर जाता है ना, मतलब इतनी सारी वीडियोज़ हो जाती है कि सब लोग कन्फ्यूज जाते हैं कि वो देखे कौन सी है और कौन सी ना देखे। तो आज टोटल 3 वीडियो हो गई। बोलो बैठ जाओ तो मैं मार दूँ। हाँ तो वो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आप लोग कौन सी देखें और कौन सी नहीं देखें। बात भी तो मैंने सोचा है कि जो ब्यूटी चैनल है मैं अलग कर रही हूँ, इसमें थोड़ा बहुत ब्यूटी का रहने देंगे हम, इसे हम मेनली ब्लॉग और छोटी मोटी ब्यूटी जैसे कि 2 वीडियो आ गई हफ्ते की इसमें वो, और मैं जो ब्यूटी का चैनल है वो फुल सेपरेट कर रही हूँ और उसके लिए मैं चैनल बनाना पड़ेगा। तो मैं पूरा सेपरेट कर रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत दिक्कत हो रही है, सब कुछ मिक्स हो गया है, मतलब सब कुछ बेचारा ही चैनल इतनी लोड ले रहा है ना कितनी सारी वीडियो, और मेरी वीडियोस को सर्वाइव करने का टाइम नहीं मिलता। जैसे कि एक मैंने 10 बजे करी, एक 1 बजे करी, एक 4 बजे करी, तो 3 घंटे में वीडियो सर्वाइव नहीं कर पाती है। तो मुझे लगा कि ब्यूटी की मैं मेहनत कर रही हूँ तो उस चीज़ को मैं अलग पोर्ट्रे करूँ कि जो वहाँ के सब्सक्राइबर्स हैं, जो उसमें इंटरेस्टेड हैं, वो उस चीज़ को देखें, उन जिनको काम है उस चीज़ से, और जो ब्लॉग वाले हैं वो तो मेरे यहीं पर हैं, तो इसलिए मैंने सोचा है। और अगर रात तक काम हो जाता है तो इसी ब्लॉग में मैं आपको लिंक दे दूंगी, और अगर मेरी पहली वीडियो कल ही जानी है तो वो भी बता दूंगी। तो देखती हूँ किस तरह से सब कुछ अरेंज होता है, तो वो सब कुछ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, मैं रात में बता दूंगी अगर इन केस हो जाता है तो। और ये मेरी प्लानिंग है। सो गाइस कल ना बारिश हो गई थी, और बारिश के बाद आप जानते हैं कितना मिट्टी मिट्टी से हो जाती है, और जो बरांडा तो बहुत गंदा हो जाता था। फिर मेरे को लगा कि साफ़ कर देते हैं, कूलर की पाइप लगाई थी मैंने, तो मैंने बालकनी भी क्लीन कर दी और वो भी क्लीन कर दी, बस दोनों काम हो गए मेरे। सो अब फाइनली मैं जा रही हूँ लंच चढ़ाने, क्योंकि अब मैं लेट हो जाऊँगी अगर नहीं चढ़ाया मैं लंच, क्योंकि 1:30 बज गए हैं। गाइस खाना खा लिया है, ये जा रहे हैं अब। हम कहाँ जा रहे हैं?
मैं जाऊंगी बाल धोने, मेरे बाल गंदे हो। हम फेज लेके कहाँ जा रहे हैं? पानी लेके जा रहे हैं। और कितना हल्ला हो रहा है ना बाहर, बोनी आवत है आज, बाल बहुत हल्ला हो रहा है। बोर्ड बनेगी तो हल्ला तो हो गए ना। तो चलिए गाइस, मैं छोड़ने जा रही हूँ, छोड़ने ही जा रही हूँ, मैंने बाय बाय कर रही हूँ। और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी एक डेढ़ घंटे बाद, उस बीच में मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, वो सारा रेस्ट करने जा रही हूँ। सो गाइस, आपको मेकअप दिख रहा होगा मेरे फेस पे, तो मैं थोड़ा सा काम करके आई थी और उसी विषय में काफ़ी लेट हो गई। और तो मेरी जो एक्सरसाइजेस थी वो रह गई थी, तो मुझे लगा अब एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाएगा। और मुझे लंच करे हुए 3 घंटे हो गए हैं, तो अब सही टाइम है एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं स्क्वाट्स करूँगी, और आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा जो वर्कआउट है उससे थोड़ा बढ़ाती जाऊँ, मतलब जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी बढ़ाऊँ। तो आज थोड़ा सा इंटेंस होगा क्योंकि आज थर्ड डे है हमारा वर्कआउट का। तो स्क्वाट से शुरू करते हैं, और मैं लगातार जो भी एक्सरसाइज होंगी वो मैं करती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी। गाइस, आज ना मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी करने का। कारण ये नहीं था कि मैं थक गई हूँ, कुछ हो गई हूँ, कारण ये है कि मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा है आज। मैं बताऊँगी क्यों, मैं बात कर रही हूँ अभी, मैं बताऊँगी आपको क्यों, फिर बताती हूँ एक सेकंड। बहुत बेमन से करी है आज मैंने। एग्जैक्टली क्या हुआ था, सो एग्जैक्टली क्या हुआ, मैंने आपको वो पैसे वाला केस बताया था जिसमें हम लोग को 3 लाख रुपए लेने हैं। तो मंडे को मैंने चेक लगाए थे और वो बाउंस हो गए। हमने अगले से बोला तो अगला अभी बोल रहा कि हम तो अभी दे रहे हैं, अभी आपको, आज भी 6 बजे देने वाला था वो, फिर वो 8 बजे देने वाला था, फिर उसने नहीं दिए। और मतलब आज भी वो देने वाला था, वो कल भी देने वाला था, और जो चेक है वो बाउंस हो गए फाइनली। तो अब हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं। सो बस यही चीज़ थी तो मेरे दिमाग में ना, आज मैं शूट करने गई, मेरे से शूट भी नहीं हुआ, एक्सरसाइज नहीं हो रही थी, मेरे को न्यू चैनल बनाना है, तो फिर मेरे को लगा अभी छोड़ती, कल बनाऊँगी मैं। तो मतलब मन ही नहीं लग रहा है आज, कि इंसान कितना परेशान कर सकता है। हम लोग 2 महीने परेशान हुए, अगर हमें पता होता कि हमें लीगल एक्शन ही लेना है एट लास्ट, तो हम लोग 2 महीने वेस्ट नहीं करते, वही हम लोग को लग रहा था। और स्टिल मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप लोगों के पैसे फंसे थे, और उसके बाद भी आप लोगों ने क्या बोलते हॉल का काम कराया, सो फनी। तो फिर मैंने उसे बोला कि उसमें फ़नी क्या है यार, फिर January 31st को उसका ट्रांजेक्शन किया था, और फेब्रवरी आई थिंक 5-6 मेरे बर्थडे के आसपास कराया था ये, तो इंसान को इतनी उम्मीद नहीं थी। और ऐसा तो है नहीं कि अगर कुछ कहीं पे पैसे फंस जाते हैं तो घर के काम रुक जाते हैं,
तो वही फिर कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए थे जो मेरे को लगा कि यार बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाते उन चीज़ों के साथ कि आप खुश हो उसके, मतलब ऐसा आया था कि घर बनवाया था तब तो आप लोग खुश खुश घूम रहे थे। और ये आई थिंक मैंने आप लोगों को 13-14 को ही जब लोग आने वाले थे बॉम्बे तभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि कोई केस हो गया इनके ऑफिस का, बट मैं बता नहीं सकती थी, मुझे लगा मनी मैटर है तो इसे रिवील नहीं किया जाए। तो स्टिल फिर वो इतनी ज़्यादा तो सॉल्व नहीं हुआ, फिर कहीं जाके मैंने थक हार के बताया आपको कि मैं बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, तो उसके पीछे कारण है। और अभी देखिए लीगल केस आ गया है और मुझे यहाँ का, मतलब आप समझ सकते हैं इंडिया का सिस्टम, लीगल सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। यही सब चीज़ें थी, मैंने मेकअप किया आधा कंप्लीट किया, मेकअप ट्यूटोरियल शूट कर रही थी मैं, आधा कंप्लीट किया, फिर आप सोच सकते हैं क्या माइंड की मेरी वो रही होगी कि मैंने बेस मेकअप किया है और आप देख सकते हैं आँखों में कुछ नहीं लगा। मैंने ना बेस मेकअप किया, पूरा बेस मेकअप सेट कर लिया, मस्कारा मैंने तब लगाया जब मुझे यहाँ पे आना था, क्योंकि मेरी पूरी आँखों ये जो पलकें थी उस सब पे आई लैशेस थी उन सब पे पाउडर गिर गया था, तो वो ऐसे भूत टाइप की लग रही थी। तो फिर मेरा आई मेकअप करने का मन ही नहीं हो, मैं उठ गई, मैंने बोला मन ही नहीं कर रहा है मेरा। तो ये जो वीडियो शूट कर रही थी मैं नए चैनल पे शूट कर रही थी, बट जब मन ही नहीं हो रहा है कुछ करने का तो फिर आप सोच सकते हैं। और आज मैं थोड़ी इमोशनली फील कर रही हूँ, पता नहीं क्यों, सो देखते हैं क्या होता है। सो चलिए गाइस मैं इनका वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं सच में एक टी डेट पे जाना चाहती हूँ और मैं एक चार लेके आती हूँ, थोड़ा फ्रेश होती हूँ, माइंड एकदम से चोक हो जाता है। मेरा माइंड तो ऐसा है कि मैं जब टेंशन नहीं लेती, जब मैं पॉजिटिव रहती हूँ तो मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, साल में मैं 11 महीने 15 दिन पॉजिटिव रहती हूँ, और जब मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है ना तो मुझे इतना अंदर तक डुबा देती है ना वो चीज़ कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको सच में नहीं बता सकती मेरे दिल पर क्या बीत रही है। ऐसा लग रहा है जाऊँ शाम चलाऊँ और थोड़ा मुझे मन थोड़ा भारी हो रहा, मुझे नहीं मालूम, मैं सोची सिर्फ इतनी सी बात है बट वो जो लीगल वाला वो था ना अच्छा सा नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं कहाँ की लाइट आ रही है। सो गाइज मैं शार ले लिया था, अब हम लोग जा रहे हैं टी डेट पे, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरत है थोड़ा सा बाहर निकलने की। और मैंने थ्रेडिंग भी बना ली, मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा ओवरग्रो हो गई थी, अभी शेप में ही नहीं आई है, तो शेप में तो मुझे पार्लर ही जाना पड़ेगा, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही थी वो मैंने बना ली थी। और ये ना POP की लाइट चल रही है एक, तो वो जो रिफ्लेक्शन मार रही है तो सही, चलिए चलते हैं। सो गाइस हम लोग टी रेट पे नहीं गए, हम लोग आए हैं लस्सी रेट पे। ये बहुत सारी परछाइयाँ पड़ी, मैं लाइट चलाऊंगी तो सब लोग देखेंगे। तो ये है फुआरे में शिव शंकर लस्सी भंडार, इसकी लस्सी बहुत अच्छी रहती है, हम लोग पिछले साल तक पीते थे, अब फिर से देखते हैं इस साल इसकी क्वालिटी मेंटेन है या नहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी, मैंने आपसे बोला था उस टाइम, तो राजा ने बोला कि तुम्हें ठंडे की ज़रूरत है, ठंडा और मीठा, फिर मैंने बोला हाँ यार लस्सी एक सेकेंड, फिर मैंने इनसे बोला कि हाँ यार मैं लस्सी पी हुई नहीं है बहुत टाइम से, ओह मेरा कैमरा कैसे हिल रहा है, तो ये लस्सी लेने गए। क्या हुआ मेरे पास एक कमेंट आया था, आई थी ठंडी नहीं है, अभी मेरा गला खराब हो जाएगा वो बड़ा पानी। हाँ इन्हें देखो तुम दोनों बोल तो ठंडा होने के लिए पिला रहे थे ना, अच्छी लग रही है, खट्टी है भैया, सही बात थी, डाल सकते थे पर नहीं ठीक है, गला भी खराब हो गया तो दिक्कत रहेगी। तो जरूर में बहुत सारे लस्सी वाले हर जगह रहते हैं, आप में से किसी ने मुझसे बोला था कि जौलपुर के सारे लस्सी वालों के पास जाके ब्लॉगिंग, मतलब कि वो लस्सी मार्केट, यहाँ पे कोई लस्सी मार्केट है क्या, सिर्फ लस्सी मिलती है और कितनी होंगे आजू बाजू, 3-4 हैं राहत अच्छा दाढ़ी, ऐसे पता बहुत सारे हैं, मैं इतनी पीऊँगी तो मैं तो फट जाऊँगी, एक के बाद नहीं पी जाती। जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना उस टाइम पे मुझे भूख लगती थी और मैं कॉलेज से आती थी तो मैं लस्सी पी लेती थी और मेरा पेट भर जाता था, है लस्सी पेट भर जाता है ना। हेलो टीवी वाला मलाई तो खाओ, नहीं क्यों मलाई नहीं खाती,
मलाई तो खाने में डर लगता है बहुत, ये मलाई खराब हो सकती है इंसान की, इसलिए है ना इस मलाई इसमें थोड़ा अवॉइड कर। गला पता नहीं मेरा लस्सी पी के ना, ये मेरा कारण है लस्सी ना पीने, जब भी मैं लस्सी पीती हूँ ना तो मेरा गले में खराश हो जाती है। तुम्हारी हुई मेरे गले पर खराश हो गई? आई थिंक दही से होता है, तो शायद ठीक हो जाए, हो जाएगी। और अरे मेरे पानी कहाँ चला गया, मेरे हाथ पता नहीं कैसे हो गए चिपचिपा गए। तुम्हारे बर्तन नहीं मानने दे रही, मन नहीं अभी लीगल, ये वकील से मिल के आए थे, आज लेट भी आए हैं। लीगल वकील से? हाँ लीगली ये गए थे वकील से मिलने, हम लोगों को कल जाना था, ये आज ही मिला है। इनका थे एक जो इनके इनकम टैक्स वगैरह काम करता है, तो उसी से बात बात करने चले गए थे, तो उसी से बात कर रहे थे, और ये 10 बजे आया आज। फिर ने बोला चलो तो मैं घुमा के ले आता हूँ, और फिर ने घुमा दिया। हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, हम लोगों ने लस्सी पी है बस। इनने बोला कि मन नहीं इनका कुछ खाने का, हाँ यार मन नहीं करा था, और फिर मेरे को लगा ठीक है यार, तो हम लोगों को लगा जल्दी सोया जाए, तो आज थोड़ा जल्दी सो रहे हैं। तो आज का तो मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हुआ था एक टाइम पे, पर तो कई बार हो जाते हैं दिन ऐसे, मेरा बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, और पता नहीं कल कैसे रहेगा मेरा दिन, मेरे को नहीं पता। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होता है मंजूर खुदा होता है। हाँ सो चलिए फाइनली मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, और मैं आपसे मिलूँगी कल विद अ न्यू व्लॉग होपफुली, अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो, अदरवाइज फिर ऐसे व्लॉग करने का मतलब नहीं निकलता। तुम ही यूज़ करते हो मेरा जियोनी। चलिए फाइनली अब मैं इस व्लॉग को एंड कर रही हूँ, हम जा रहे हैं सोने, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे। मैं जो नया चैनल खोल रही हूँ उसकी लिंक मैं आपको आज या कल में प्रोवाइड करूँगी जैसे ही होता है, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि एकदम अच्छे से काम शुरू हो तो, वरना कोई मतलब नहीं निकलता है ऐसे चैनल खोल देने का, और मोनेटाइज किसी केस में वो इतनी जल्दी नहीं होना है ना बेबी। तो चलिए फाइनल बाय टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय।